मध्य प्रदेश इन दिनों फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में फिल्में और वेब सीरीज एमपी में शूट हो रहे हैं। हालांकि इसके लिए सरकार की पॉलिसी का भी अहम रोल है। देखिए रिपोर्ट। एमपी में लाइट कैमरा एक्शन, फिल्म मेकर्स को एमपी पसंद है। सरकार की नीति ला रही है रंग। जी हां, मध्य प्रदेश अब फिल्म निर्माताओं की पसंद बनता जा रहा है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश में कई बॉलीवुड फिल्में और वेब सीरीज की शूटिंग हुई है। हालांकि इसके पीछे मध्य प्रदेश सरकार की नीति का भी अहम रोल है। जानकारी के मुताबिक एमपी में पहली फिल्म 50% शूटिंग पर 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलता है। वहीं पहली फिल्म की 75% शूटिंग एमपी में करने पर 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलता है, जबकि दूसरी फिल्म की 50% शूटिंग यदि एमपी में करते हैं तो 1.5 करोड़ का अनुदान मिलेगा, जबकि दूसरी फिल्म की 75% शूटिंग पर 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलता है। इसके अलावा 75% शूटिंग और एमपी को फोकस करने पर 50 लाख का अतिरिक्त अनुदान मिलता है। एमपी की विशेष ब्रांडिंग और एमपी बेस्ड स्टोरी पर भी विशेष प्रावधान है। इसमें प्रोजेक्ट की लागत का 50% या 5 करोड़ जो भी ज्यादा हो वो दिया जाता है। स्थानीय कलाकारों को काम मिलने पर अधिकतम 25 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। एमपी में 75% शूटिंग करने पर 75% किराया वापस करने का प्रावधान है। टीवी सीरियल्स वेब सीरीज की शूटिंग पर भी 1 करोड़ तक का अनुदान है। निर्माताओं को पर्यटन निगम की होटलों में 40% तक की छूट भी मिलती है। दरअसल अनुदान के अलावा फिल्मकारों को लुभाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। मसलन एमपी में सरकार ने फिल्मों की शूटिंग को लेकर नीति बनाई है। नीति के तहत फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की गई। शूटिंग की मंजूरी को लोक सेवा गारंटी योजना में लाया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य भी एमपी की नीति की स्टडी कर चुके हैं। हाल ही में बिहार के अधिकारियों ने भी फिल्म नीति को बारीकियों से समझा था। बहरहाल मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग से कई फायदे भी हैं। मसलन एमपी में शूटिंग का दायरा बढ़ने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। फिल्मों की शूटिंग होने से टैक्स के रूप में भी सरकार की आय बढ़ती है। 20 दिन के शूटिंग शेड्यूल से 2 करोड़ से ज्यादा का कारोबार स्थानीय स्तर पर होता है। एक फिल्म की शूटिंग से करीब 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल जाता है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग होने से न सिर्फ रोजगार बढ़ रहा है बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी मध्य प्रदेश को अलग पहचान मिल रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश फिल्मी जगत की पहली पसंद बन गया है। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगभग हर महीने ही किसी न किसी फिल्म, वेब सीरीज या फिर टीवी सीरियल की शूटिंग हो रही है। बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो 150 से ज़्यादा फिल्में, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स की शूटिंग मध्य प्रदेश में हो चुकी है। वीडियो लिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। तो खबर तो ये है कि एमपी में सरकार ने फिल्मों की शूटिंग को लेकर नई नीति बनाई है। नीति के तहत फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की गई है। शूटिंग की मंजूरी को लोक सेवा गारंटी योजना में लाया गया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा भी इसकी स्टडी कर चुके हैं। हाल ही में बिहार के अधिकारियों ने नीति की बारीकियां समझी थी। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। कांकेर जिले की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। भानुप्रतापपुर सीट बीजेपी के लिए काफी